किसान साथियों, आज मैं आपको 250 HP के ट्रैक्टरों न्यू हॉलैंड 3602 ऑलराउंडर प्लस और जॉन डियर 5050D दोनों ही ट्रैक्टर्स में क्या अंतर है, इनके प्राइसेस में क्या अंतर है, तकनीक में क्या अंतर है, आपके लिए कौन सा बेहतर है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप इन दोनों ही ट्रैक्टर्स की अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो इन दोनों ही ट्रैक्टर्स की अलग अलग वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर इनकी संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। या आप किन्हीं दो ट्रैक्टर्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, उनमें क्या अंतर है वो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो या आपके लिए मैं किन दो ट्रैक्टर्स का कंपैरिजन करके लाऊं। उस पर कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। किसान साथियों, न्यू हॉलैंड 3602 के अंदर आपको 50 HP 2500 इंजन रेटेड RPM 3 सिलेंडर नॉन टर्बो 2931 CC का इंजन मिलता है, जिसका बोर 104 और स्ट्रोक 115 mm है। किसान साथियों, ये ट्रैक्टर और जोनडियर 5050D दोनों ही ट्रैक्टर लगभग 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करते हैं। न्यू हॉलैंड का इंजन इवेको कंपनी बनाती है, जोनडियर का इंजन आपको जोनडियर खुद बनाती है। 3029D सीरीज़ का इंजन उसके अंदर लगा हुआ है। ये आप यहाँ पर देखिए न्यू हॉलैंड के इंजन की लुकिंग। किसान साथियों, जोनडियर सिंगल पीस बोनट के साथ आता है, जबकि न्यू हॉलैंड नहीं आता है। जोनडियर का जो सिंगल पीस बोनट है वो एक चाबी की सहायता से खुलता है और उसमें हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं जिससे ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाता है, जबकि न्यू हॉलैंड के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है। जोनडियर का इंजन 50 HP 2100 इंजन रेटेड RPM 3 सिलेंडर नॉन टर्बो 2900 CC का है, जिसका बोर 106 mm और स्ट्रोक 110 mm है। दोनों ही ट्रैक्टर्स का टॉर्क लगभग 205 न्यूटन मीटर है। जोनडियर में आपको सूखा एयर फिल्टर मिलता है, ये आप देखिए, जबकि न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 3 स्टेज टाइप का ऑयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर मिलता है। जोनडियर की बैटरी आगे माउंट की गई है, जबकि न्यू हॉलैंड की बैटरी भी आपको आगे ही मिलती है। दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको कूलेंट विद ओवरफ्लो रिजर्वोयर का बॉक्स मिल जाता है, जिससे आपको बार बार कूलेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों ही ट्रैक्टर्स के इंजन काफ़ी रिलायबल हैं और काफ़ी भरोसेमंद इंजन जोनडियर और न्यू हॉलैंड दोनों ही कंपनियां लॉन्ग लाइफ वाले इंजन देती हैं। किसान साथियों, यहां पर जोनडियर की कुछ एडिशनल डिटेल दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। न्यू हॉलैंड 3602 में आपको इनलाइन माइक्रो बॉस कंपनी का पंप मिलता है, इसके अंदर आपको रोटरी पंप का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये देखिए, इनलाइन माइक्रो बॉस कंपनी का पंप, डबल डीजल फिल्टर आपको मिलता है और वाटर सेपरेटर भी आपको न्यू हॉलैंड 3602 में मिलता है। जोनडियर के अंदर आपको रोटरी पंप का ऑप्शन नहीं मिलता, इसमें केवल आपको इनलाइन माइक्रो बॉस कंपनी का पंप मिलता है और इसके अंदर भी आपको डबल डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर जोनडियर के अंदर भी आपको दिए गए हैं। किसान साथियों, न्यू हॉलैंड के अंदर पावर स्टीयरिंग में चलने के लिए अलग से ऑयल टैंक लगा हुआ है। पावर स्टीयरिंग में आपका 1.5 से 2 लीटर के तेल का डब्बा अलग से लगा हुआ है, जबकि जोनडियर के अंदर पिछले हिस्से का ऑयल ही उसके पावर स्टीयरिंग में चलता है। तो ये दोनों में अंतर है, ये आप देख सकते हैं। न्यू हॉलैंड की लुकिंग काफ़ी शानदार है। पावर स्टीयरिंग दोनों के अंदर सिंगल एक्चुएटिंग है, न्यू हॉलैंड के अंदर भी, जोनडियर के अंदर भी। ऑलराउंडर प्लस में आपको सिंगल एक्चुएटिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल के साथ। इसका फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स टाइप का फ्रंट एक्सल है। अगले टायर आपको न्यू हॉलैंड के अंदर 650/16 750/16 दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसा किसान भाई की ज़रूरत हो वैसा ही ले सकता है न्यू हॉलैंड के अंदर। जबकि जोनडियर के अंदर आपको सिंगल एक्चुएटिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है, सिंगल रोड वाला। इसका फ्रंट एक्सल भी फिक्स है, एडजस्टेबल नहीं है किसी भी ट्रैक्टर में। जोनडियर के अंदर भी आपको अगले टायर 750/16 के मिलते हैं, 5050D के अंदर। किसान साथियों, न्यू हॉलैंड के अंदर पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के टेंडम पंप दिए गए हैं, मतलब हाइड्रोलिक का पंप अलग है, पावर स्टीयरिंग का पंप अलग है, जिससे कि आपकी दोनों चीज़ें और उनके पंप मेंटेनेंस फ्री रहते हैं। दोनों ही पंप के नीचे आपको हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाते हैं, अच्छे से प्लेस किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर स्टीयरिंग लॉन्ग लाइफ है, हाइड्रोलिक भी, दोनों ही ट्रैक्टर्स की लॉन्ग लाइफ है। यहाँ पर ये जोनडियर के अंदर भी टेंडम पंप है, हाइड्रोलिक का अलग है, पावर स्टीयरिंग का अलग है, तो दोनों की तकनीक जो है वो सेम है लगभग, हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग की। बस न्यू हॉलैंड के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग का अलग से ऑयल टैंक मिलता है। किसान साथियों, न्यू हॉलैंड का प्लेटफॉर्म सपाट नहीं है, जोनडियर का प्लेटफॉर्म भी सपाट नहीं है, दोनों में काफ़ी ऊंचे बंप बीच में दिए गए हैं। दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको एडजस्टेबल सीट मिलती है, ये न्यू हॉलैंड की आप देखिए, इसके अंदर न्यू हॉलैंड की सेंसिंग
सेंसोमेटिक लिफ्ट है, ये 24 टाइप्स की सेंसिंग करती है, बहुत ही अच्छी सेंसिंग न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर की है। जॉन डियर से थोड़ी बहुत अच्छी सेंसिंग न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर की होती है, क्योंकि इसके जो पीछे सेंसिंग पॉइंट है वहाँ पर एक कमानी टाइप लगी होती है। पिछले टायर 14/28, 16/28 दोनों ही ऑप्शन दोनों ही ट्रैक्टर्स में मिल जाते हैं। ये यहाँ पर आप जॉन डियर का प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, सपाट नहीं है इसका भी। दोनों ही ट्रैक्टर्स में साइड शिफ्ट गियर मिलते हैं, फुल्ली एडजस्टेबल सीटें मिलती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे अपने वजन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं सीटों को। हाइड्रोलिक लॉक की सुविधा दोनों ही ट्रैक्टर्स में है, और डिफरेंशियल लॉक की सुविधा भी आपको दोनों ही ट्रैक्टर्स में मिलती है। जॉन डियर में भी पिछले टायर 16/28, 14/28 दोनों ही मिल जाते हैं। न्यू हॉलैंड के पिछले हिस्से की बात कर लेते हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी पिछला हिस्सा बनाया गया है, काफ़ी मजबूत हैवी काम के लिए। न्यू हॉलैंड 3630 में भी यही पिछला हिस्सा आता है। 1700 kg की लिफ्ट कैपेसिटी, ADDC टाइप की सेंसोमेटिक आपको न्यू हॉलैंड के अंदर मिलती है। किसान साथियों, न्यू हॉलैंड के पिछले एक्सल की तकनीक हब रिडक्शन है, जो कि जीरो ग्रीसिंग पॉइंट के साथ है, मतलब पूरा का पूरा पिछला हिस्सा न्यू हॉलैंड का तेल में डूबा हुआ है हब रिडक्शन तकनीक के साथ। इसमें आपको ग्रीस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर जॉन डियर के पिछले हिस्से की बात की जाए, तो इसका पिछला हिस्सा प्लेनेटरी गियर ड्राइव तकनीक का है, जो कि हब रिडक्शन से थोड़ी सी बेहतर है, और इसका पिछला हिस्सा भी पूरी तरह तेल में डूबा हुआ है। जॉन डियर के अंदर भी आपको ग्रीस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। किसान साथियों, दोनों ही ट्रैक्टर्स में ऊपर से नीचे एडजस्ट करने के लिए आपको एडजस्टेबल हिच मिलते हैं। यहाँ पर ये न्यू हॉलैंड का आप देख लीजिए, न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 3 सेंसिंग पॉइंट मिलते हैं अपने इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर के साथ अटैच करने के लिए, और इम्प्लीमेंट को मिट्टी के अनुसार सेंस करने के लिए, जिससे आपकी जुताई करते समय, कल्टीवेटर वगैरह चलाते समय सेंसिंग काफ़ी अच्छी रहे और आपका काम काफ़ी अच्छे से हो। जॉन डियर के अंदर भी आपको 3 सेंसिंग पॉइंट मिलते हैं, ये देखिए, इसकी भी सेंसिंग काफ़ी अच्छी है जॉन डियर की भी। और यहाँ पर कुछ अदर इलेक्ट्रिक इम्प्लीमेंट आप जॉन डियर के अंदर ऐड कर सकते हैं। जॉन डियर में भी आपको ऊपर से नीचे एडजस्ट करने वाला हिच मिलता है 1700 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ। न्यू हॉलैंड की PTO की बात किया, तो इसके अंदर 46 HP 6 स्प्लाइन 540 RPM वाली PTO है, जो कि अपने 540 RPM 1800 इंजन रेटेड RPM पर प्रोड्यूस करती है न्यू हॉलैंड की PTO। और इसके अंदर आपको रिवर्स PTO का ऑप्शन भी न्यू हॉलैंड अब प्रोवाइड कराने लगी है, और PTO का अलग से क्लच न्यू हॉलैंड के अंदर दिया गया है। किसान साथियों, जॉन डियर की PTO की बात की जाए, तो इसके अंदर 42.6 HP 6 स्प्लाइन 540 RPM 2100 इंजन रेटेड RPM पर, और 540 इकोनॉमी RPM 1600 इंजन रेटेड RPM पर प्रोड्यूस करती है। इसमें इकोनॉमी PTO ले सकते हैं लाइव PTO के साथ साथ, या फिर लाइव PTO के साथ आप इसमें रिवर्स PTO भी ले सकते हैं। मल्टी स्पीड PTO के ऑप्शन अभी किसी भी ट्रैक्टर में न्यू हॉलैंड में 3602 या जॉन डियर 5050D में नहीं दिए गए हैं। जॉन डियर की और न्यू हॉलैंड की दोनों की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 60 लीटर की है, दोनों ही काफ़ी अच्छे और पिछले हिस्से के साथ, मजबूत पिछले हिस्से के साथ आते हैं। यहाँ पर ये आप देखिए, न्यू हॉलैंड का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल एनालॉग दोनों ही टाइप का दिया गया है। दोनों ही ट्रैक्टर्स के अंदर आपको फाइबर के फ्यूल टैंक मिलते हैं, इससे टंकी के अंदर पानी नहीं बनता उमस के समय। यहाँ ये न्यू हॉलैंड का इंडिकेटर्स के लिए लीवर दिया गया है, छोटा सा स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी कंफर्टेबल। राइट हैंड साइड पे आपको हैंड रेस, चारों इंडिकेटर ऑन करने के लिए पार्किंग का स्विच दिया गया है। किसान साथियों, नीचे डैशबोर्ड पे आपको लाइटिंग, हॉर्न, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ट्रैक्टर को बंद करने के लिए, और की सॉकेट काफ़ी अच्छे से प्लेस किया गया है। ये यहाँ पर आप न्यू हॉलैंड का डैशबोर्ड देख रहे हैं। किसान साथियों, अगर न्यू हॉलैंड के क्लच की बात की जाए, तो इसके अंदर डायफ्राम टाइप का वेट टाइप का क्लच आता है, डबल क्लच, मतलब इसके अंदर ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, पिछले पहियों को रोकने के लिए अलग से क्लच दिया गया है, और PTO को रोकने के लिए अलग से इंडिपेंडेंट क्लच दिया गया है। ये फैसिलिटी दोनों ट्रैक्टर्स में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये यहाँ पर आप देखिए, PTO का इंडिपेंडेंट अलग से डबल क्लच, आगे करने पर आपकी PTO इंगेज हो जाती है। ये यहाँ पर एक स्टिकर भी लगा हुआ है, जो आपको बता रहा है कि ये क्लच PTO का है, आगे करने पर इंगेज। और ये नीचे लीवर दिया गया है PTO का, आप इससे इस लीवर को आगे करके अपनी PTO चालू कर सकते हैं। न्यू हॉलैंड 3602 के गियरबॉक्स की बात किया, तो इसके अंदर आपको 8 गियर आगे जाने के लिए, 2 गियर पीछे जाने के लिए कॉन्स्टेंट मैश तकनीक, या फिर 12 गियर आगे जाने के लिए
तीन गियर पीछे जाने के लिए सिंक्रोमैस तकनीक के साथ आते हैं, जो कि जॉन डियर से थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन प्रोवाइड कराती है। 8+2 भी आप ले सकते हैं न्यू होलैंड के अंदर, 12+3 भी आप ले सकते हैं न्यू होलैंड के अंदर, जबकि जॉन डियर के अंदर सिर्फ आपको 8+4 गियरबॉक्स का ऑप्शन 50-50D दे रही है। अगर आपको 12+3 लेना है तो आप 52-10 की तरफ जाइए, वो थोड़ा आपको महंगा पड़ता है। किसान साथियों, ये है जॉन डियर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कुछ एनालॉग और डिजिटल क्लस्टर्स के साथ काफ़ी अच्छा खूबसूरत बनाया गया है। छोटा सा स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर भी है। दोनों ही ट्रैक्टर चलाने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। साइड शिफ्ट गियर लीवर है। यहाँ आपको 12 वोल्ट डीसी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जॉन डियर के अंदर भी मिल जाता है 50-50D के अंदर। नीचे आपको चारों इंडिकेटर ऑन करने के लिए पार्किंग का स्विच दिया गया है। राइट हैंड साइड पे हैंड रेस, हॉर्न, लाइटिंग की पूरी फंक्शनैलिटी आपको हैंड रेस के लीवर के बिल्कुल पास में दी गई है। नीचे आपको आयरन की पॉकेट दी गई है, आप फ़ोन वगैरह आप रख सकते हैं चार्जिंग करते समय। की सॉकेट दिया गया है। नीचे आपको इंजन को रोकने के लिए, ट्रैक्टर को रोकने के लिए स्टॉपिंग स्विच। और अगर इसके क्लच की बात की जाए तो इसके अंदर भी आपको डायफ्राम टाइप का, वेट टाइप का क्लच मिलता है पिछले हिस्से को रोकने के लिए। और आपको इसमें ये यहाँ पर जो लीवर है वो गियर बॉक्स का लीवर है, 8+4, 8 आगे जाने के लिए, 4 पीछे जाने के लिए। और ये लीवर इसका यहाँ पर पीटीओ का डबल क्लच का लीवर दिया गया है। ये भी आगे करने पर आपकी पीटीओ को इंगेज कर देता है, पीछे करने पर न्यूट्रल। और यहाँ पर ये पीटीओ का लीवर है, आगे करने पर 540 इकोनमी, मतलब 540 आरपीएम 1600 पर, पीछे करने पर स्टैंडर्ड 540 आरपीएम वाली पीटीओ आपको इंगेज हो जाती है। दोनों ही ट्रैक्टर्स में तेल में डूबे हुए मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर्स में फुट रेस भी की सुविधा भी मिल जाती है। ये है जॉन डियर का मेन गियर लीवर, कोलर शिफ्ट या फुल कॉन्स्टेंट मैस तकनीक के साथ। किसान साथियों, दोनों ही ट्रैक्टर्स में आपको पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल के अलग अलग लीवर दिए गए हैं। उनके साथ ही आपको MQRL के लीवर मिल जाते हैं, मतलब आप अपने इम्प्लीमेंट को हाइड्रोलिक पे उसकी गहराई को एक बार सेट कर दीजिए, उसके बाद आपको पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल के लीवर को छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप MQRL के लीवर या स्विच के साथ दोनों ही ट्रैक्टर्स के अंदर अपने हाइड्रोलिक पर लगे हुए इम्प्लीमेंट के साथ एक समान गहराई से जुताई कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको सीड ड्रिल, MB प्लाउ, कल्टीवेटर या रीजर वगैरह पर काफ़ी अच्छी रहती हैं। यहाँ पर ये MQRL का लीवर इधर दिया गया है। जॉन डियर के अंदर भी उसकी सुविधा मिलती है, न्यू होलैंड के अंदर भी इसकी सुविधा मिलती है। बाकी अदर कंपनियाँ अभी MQRL के लीवर्स नहीं दे रही हैं, जबकि ये बहुत ही उपयोगी लीवर हैं। ये सभी ट्रैक्टर्स में लगभग आने चाहिए। बहुत ही कम्फर्टेबल ट्रैक्टर है, जॉन डियर भी, न्यू होलैंड भी। किसान साथियों, जॉन डियर की प्राइस 50-50D की टॉप मॉडल की प्राइस, पावर स्टीयरिंग डबल क्लच 8+4 गियरबॉक्स की प्राइस आपको 7,60,000 रुपये रखी गई है, जबकि न्यू होलैंड 3602 ऑलराउंडर प्लस पावर स्टीयरिंग 8+2 गियरबॉक्स की प्राइस 6,60,000 रुपये रखी गई है। और 12+3 का गियरबॉक्स अगर आप लेते हैं न्यू होलैंड के अंदर तो आपको 30,000-35,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। उसके साथ ही आपको इसमें डबल QRC कपलर लगा हुआ मिलता है अगर आप 12+3 लेंगे तो न्यू होलैंड के अंदर उन्हीं 30,000 रुपये में, जबकि जॉन डियर के अंदर अगर आप डबल QRC कपलर लगवाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको अलग से 18,000-20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो पैसों के मामले में न्यू होलैंड जॉन डियर से थोड़ा सस्ता ट्रैक्टर है, फीचर्स के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, दोनों की टक्कर है। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कि आपको ये ट्रैक्टर कैसे लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।